नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। डेंगू का मरीज मिलते ही दौड़ा प्रशासन। SDM, CMO, नगर पालिका की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद नगर के मोहल्ला बशीरपुरम में शाहरुख पुत्र अनिल कुमार में डेंगू के लक्षण जांच में आते ही SDM शिव ध्यान पांडे, CMO डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी, नगर पालिका की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि नगर पालिका की टीम ने एंटी लार्वा दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है। मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। ये बच्चा इस मोहल्ले में अपनी बुआ के घर आया था। मूल रूप से सैजनी अराव सिरसागंज का रहने वाला है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। किस तरह का निरीक्षण? एक बच्चा यहाँ से भर्ती हुआ है, उसका नाम है शाहरुख और पिताजी का नाम अनिल कुमार, एड्रेस यही है, और भर्ती हुआ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। उसे डेंगू कंफर्म हुआ है, लेकिन अभी जैसे रात में पता चला कि तो SDM साहब, DM साहब, CDO सब लोग, हम लोग एक्टिव हो गए हैं और पूरा प्रशासन, नगर पालिका, पूरी हमारी हेल्थ की टीम आ गई है ये देखने के लिए। वास्तव में ये है, पता चला है कि यहाँ देखा कोई लार्वा नहीं मिला है। हमने एंटी लार्वा भी हो गया है, फॉगिंग भी रात में होगी है, फिर कराएंगे रात में नगर पालिका, और पारिथम इस पर भी करा दिया। यहाँ कोई बीमार नहीं, लेकिन बच्चा पता चला है कि रिश्तेदारी में परसों आया था, उसने जब ये जांच कराई तो एड्रेस उसने यहाँ का दे दिया, इसलिए यहाँ का लेफ्ट की वो अराउंड ब्लॉक का है जी। किस तरह लोगों को और जागरूक करेंगे? लोगों को जागरूक का मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि ये सितंबर महीना और अक्टूबर महीना दो हमारे ऐसे महीने हैं, इनमें डेंगू के काफ़ी केसेस हो जाते हैं। तो हम अपने घर में ध्यान रखें कि अपने घर में कहीं भी कूलर में पानी हो तो उसे सुखा दें, सुखा के अगर अगले दिन भरना तो बिल्कुल सुखा के पोंछ के भरें कूलर में पानी। फिर इसकी टेर हर तीन या चार दिन में देख लें, छत पे गमले, टायर ट्यूब में देख लें, पेड़ पौधे लगाए वहाँ भी देख लें कहीं लार्वा तो नहीं है, उसको सुखा के रखें। अगर पानी के ड्रम हैं जिनका हम यूज़ करते हैं शौचालय के लिए, अगर कहीं रखा है उसे साफ़ नहीं करा दो दिन भी तो वहाँ पे लार्वा होने के चांसेस हैं। लार्वा एडिस का होता है, लेकिन अगर कहीं से भी एक इन्फेक्टेड हो गया डेंगू से तो वो सबको इन्फेक्शन कर देता है। तो हम लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें, और एक दूसरा ख्याल, अगर कहीं बुखार होता है तो आप झोला छाप के पास ना जाकर सीधे सीधे सरकारी अस्पताल या क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, मलेरिया और डेंगू टेस्ट सबसे पहले। जो पेशेंट मिला है, परिवार को किस तरह की सलाह दी गई है? परिवार को सलाह दी गई है कि अगर जिसे परसों बच्चा आया है कि आपके घर में अगर कहीं बुखार आता है तो तुरंत एकदम अस्पताल में आएँ, तुरंत हमें इन्फॉर्म करें, हमारी टीम उसे देखेंगी और अपना ख्याल करें। और पूरे अगर कहीं पानी इनके घर पर नहीं मिला, इस तरह कहीं लार्वा भी नहीं मिला है, और उन्होंने सर अच्छे से जो भी हमने निर्देश उनका अनुपालन किया गया। क्या कह रहे हैं? देखिए, एक बच्चा शाहरुख है जिसे ये अपने बुआ के घर आया हुआ है यहाँ पे, तो मालूम चला है कि उसे डेंगू का बुखार है। तो आदरणीय CMO सर भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, नगर पालिका की पूरी टीम आई है, यहाँ आवश्यक छिड़काव किए गए हैं और CMO सर के द्वारा पूरी टीम लगा दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सबको इसके लिए जागरूक किया जा रहा है कि ये जो है अन्य समस्या ज़्यादा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू।